लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखित एक बड़ी अच्छी कहानी जो आप तक पहुंचाना चाहता था। लौटना कभी आसान नहीं होता। एक आदमी राजा के पास गया कि वह बहुत गरीब था, उसके पास कुछ भी नहीं, उसे मदद चाहिए था। राजा दयालु था, उसने पूछा कि क्या मदद चाहिए। आदमी ने कहा थोड़ा सा भूखंड। राजा ने कहा कल सुबह सूर्योदय के समय तुम यहां आना, जमीन पर तुम दौड़ना, जितनी दूर तक दौड़ पाओगे वो पूरा भूखंड तुम्हारा। परंतु ध्यान रहे, जहां से तुम दौड़ना शुरू करोगे सूर्य अस्त तक तुम्हें वहीं लौटाना होगा, अन्यथा कुछ भी नहीं मिलेगा। आदमी खुश हो गया। सुबह हुई, सूर्योदय के साथ आदमी दौड़ने लगा। आदमी दौड़ता रहा। सूरज सिर पर चढ़ आया था, पर आदमी का दौड़ना नहीं रुक रहा था। वह हाफ रहा था पर रुक नहीं रहा था। थोड़ा और, एक बार की मेहनत है फिर पूरी जिंदगी आराम। शाम होने लगी थी, आदमी को याद आया लौटना भी तो है, नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। उसने देखा वह काफी दूर चला आया था, अब उसे लौटना था, पर कैसे लौटता? सूरज पश्चिम की ओर मुड़ चुका था। आदमी ने पूरा दम लगाया, वो लौट सकता था पर समय तेजी से बीत रहा था। थोड़ी ताकत और लगानी होगी। वह पूरी गति से दौड़ने लगा, पर अब जब दौड़ रहा था तो उससे बनी नहीं रहा था। वह थक कर गिर गया, उसके प्राण वहीं निकल गए। राजा ये सब देख रहा था, अपने सहयोगियों के साथ वहां गया और उस आदमी को जमीन पर गिरा हुआ देख सिर्फ इतना ही कह सका, इससे सिर्फ 2 गज जमीन की दरकार थी, ना कि ये इतना दौड़ रहा था। आदमी को लौटना था पर लौट नहीं पाया। वह लौट गया वहां जहां से कहीं लौटकर वापस नहीं आते। अब जरा उस आदमी की जगह अपने आप को रखकर कल्पना करें कि हम भी तो वही भारी भूल नहीं कर रहे जो उसने की। हमें अपनी चाहतों की सीमा का पता नहीं होता। हमारी जरूरतें तो सीमित होती हैं पर चाहते अनंत। अपनी चाहतों के मोह में हम लौटने की तैयारी नहीं करते, जब करते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है, फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। आज अपनी डायरी पेन उठाए, कुछ प्रश्न एवं उनके उत्तर अनिवार्य रूप से लिखे और उनके जवाब भी लिखे। मैं जीवन की दौड़ में सम्मिलित हुआ था, आज तक कहां तक पहुंचा, आखिर मुझे जाना कहां है और कब तक पहुंचना है। इसी तरह दौड़ता रहा तो कहां और कब तक पहुंच पाऊंगा। हम सभी दौड़ रहे हैं बिना ये समझे कि सूरज समय पर लौट जाता है। अभिमन्यु भी लौटना नहीं जानता था, हम सब अभिमन्यु ही है, हम भी लौटना नहीं जानते। सच ये है कि जो लौटना जानते हैं वो जीना भी जानते हैं, पर लौटना इतना भी आसान नहीं होता। काश ये लियो टॉल्स्टॉय की कहानी का वो पात्र समय से लौट पाता। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सब लौट पाएं, लौटने का विवेक सामर्थ्य एवं निर्णय हम सब समय पर ले पाएं। सबका मंगल हो।